आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, मरिया नंदन आराधना, मंगल स्वरूप आराधना, मरिया नंदन आराधना, मंगल स्वरूप आराधना, आराधना आराधना आइए हम आज के सुंदर और पवित्र वेला में अपने आप को संपूर्ण रूप से इस पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु के चरणों में उनके सानिध्य में समर्पित करें। प्रभु हमारे बीच में आए हुए हैं हमसे मिलने और हमारी बातें सुनने के लिए, ताकि वे हमें उनके आशीष से भर दे और हम हमारे जीवन के हर पहल उनके साथ रहकर उनकी बातें सुनते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा था, हमें एक वादा दिया था कि वे संसार के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु इस पवित्र यूकरस की स्थापना करते हुए हमारे बीच में रहना चाहा, इसलिए वे अपने आप को इस छोटी से रोटी के रूप में हमारे बीच में आकर हमें आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। पुराना विधान में हम देखते हैं कि कई बार लोग प्रभु के सामने प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए नहीं चाहते थे, वे डरते थे, कांपते थे। सिर्फ नबी या पुरोहित लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे या प्रभु की वाणी सुनकर लोगों को बताते थे। इसलिए राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 27 में सुलेमान इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है? प्रभु के लिए मंदिर बनवाना उस समय कोई सोचा भी नहीं था, और प्रभु ने चाहा था कि वे हमेशा लोगों के साथ रहे। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु, हमारा मुक्तिदाता हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें और प्रभु की उपस्थिति हमारे दिल में, और जो कोई इस आराधना में अपने मोबाइल के द्वारा, टीवी के माध्यम द्वारा भाग ले रहे हैं, सभी लोग अपना शरीर को, मन को, दिल को प्रभु के समर्ष समर्पित करते हुए उनकी आराधना और स्तुति करें। शक्ति प्रदायक आराधना, शांति प्रदायक आराधना, शक्ति प्रदायक आराधना, शांति प्रदायक आराधना, पावन आत्मा आराधना, प्रिय
हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी रचना की। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में पढ़ते हैं, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरा कार्य अद्भुत है, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बैठ रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, हमें इस तरह बहुत अद्भुत तरीके से बनाने के लिए। हाँ यीशु, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पा रहे, हमें भूल जाते कि आपने ही हमें बनाया है। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, हमारे सृष्टि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु को हमारे दिल से धन्यवाद दें इस धरती पर जन्म लेने के लिए, और रोज एक नया दिन देखने के लिए हमें प्रभु विशेष रूप से अनुग्रह और कृपा प्रदान करते हैं। उन सभी वरदानों के लिए प्रभु को हमारे दिल से हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, पिता परमेश्वर की आराधना हो, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हमारे जन्म को लेकर हमारे माता पिताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हुए एक साथ हम गाएं। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में रहा। आप पिता ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र बनकर हमारे बीच में आए और हम में से एक बनकर आपने अपना जीवन बिताया, और आपके जीवन के अंत में हमारे लिए आपने क्रूस पर अपने आप को निछावर कर दिया। प्रभु, हम कितने भी चाहे लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु आपके उस मुक्ति कार्य के लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इस सुंदर समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए और उस घटना को हम याद करें जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। प्रभु ने इतना ही चाहा कि हम पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन, एक अच्छा जीवन और आनंद जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु के
उस महान कार्य को याद करते हुए और हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, हालेलुया, 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 प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम एक साथ वही गाना फिर से गाए। तुझे धन्यवाद प्रभु यीशु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु यीशु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 8 परसंख्या 26 में इस प्रकार हमें कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। इस पवित्र रोटी के साथ त्रिएक ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमें बल प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि हम कितने कमजोर हैं। हम पापों के कारण हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु के सामने आने के लिए हम असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटते हैं तो पवित्र आत्मा हमें शक्ति और कृपाओं से भर देते हैं। आइए हम हमारे सभी पापों पर पश्चाताप करते हुए इस आराधना में हम पवित्र आत्मा की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जब शिष्य लोग डर के कारण एक कमरे में बंद थे, वहाँ पर माँ मरियम के साथ प्रार्थना करते समय शिष्यों पर और माँ मरियम पर पवित्र आत्मा उतराए और उन्हें शक्ति से और प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए विशेष कृपा और बल प्रदान किया। वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमारे साथ रहकर हमें शक्ति और बल प्रदान करते हैं। बस हम उसकी आराधना और स्तुति करना है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हो, दुख, तकलीफ हो, उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस पवित्र आत्मा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा को हमारे दिल से हम धन्यवाद समर्पित करें। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। आइए हम दिल से पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए इस गाने के साथ हमारे शब्दों को हम जोड़ दें। महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा
संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पदसंख्या 16 और 18 में हमें बताते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। संत पौलुस हमें एक बड़ी बात सिखाते हैं कि हमें प्रसन्न रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और संत पौलुस कहते हैं किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, वो है प्रभु को हर समय हर पल धन्यवाद देते हुए। और हम कैसे और किस बात के लिए धन्यवाद देना है, संत पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए। आइए हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवन में आए हुए सभी सुख और दुख के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। सभी कष्टों के लिए, दुख तकलीफ के लिए, सभी बीमारियों के लिए, दुर्घटना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हमारे हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और प्रभु के चरणों में हमारे जीवन को समर्पित करें। प्रभु आपने ही हमें बनाया है, प्रभु यीशु आपने ही हमें मुक्ति दिलाया है, पवित्र आत्मा आपने हमें शक्ति और बल दिया है। और हमारे जीवन में जो कष्ट और दुख हम झेल रहे हैं प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र यूक्रेस में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें बल प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हमारी सृष्टि करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना हो, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पवित्र वेला में हमारे साथ रहकर हमें आशीष प्रदान किए उस प्रभु को हमारे जीवन को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु के आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद।